إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 11 अक्टूबर 2020 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 49 में हम इन शाह तूर आल इमरान की आयत नंबर 64 से ऑनवर्ड स्टार्ट लेंगे कुरान हकीम में जो चंद यूनिक आयत हैं उनमें से एक आयत

हम और तुम उस एक बात पर इकट्ठे हो जाते हैं जो तुम में और हम में कॉमन है वो कॉमन बात क्या है अल्लाह इल्ला अल्लाह के हम मत पूजें किसी को सवाए उस अल्लाह के इसको डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़ा प्यारा नाम दिया था कि ये आयत जो है ये दावत की चाबी है कि आपने जब कभी भी किसी के सामने दावत रखनी है तो कॉमन टर्म से बात शुरू करनी है और कितनी मजे की बात है कि जूस और क्रिश्चियंस उनके साथ भी कॉमन टर्म के ऊपर आप इकट्ठे हो सकते हैं तो सर विद इन मुस्लिम्स बरेलवी देवबंदी एहल हदीस अहल तशय्यो हनफी शाफी मालकी हम्बली वो क्या कॉमन टर्म्स के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते उनके साथ हम इकट्ठे हो सकते हैं कि जिनके साथ हमारा तोहीद का इतफाक है नबी इस्लाम का इनकार करके उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है कि उनके साथ हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत के जज्बात नहीं आ सकते लेकिन फिर भी इस्लाम को हुक्म दिया जा रहा है कि उनसे भी आप तोहीद के ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं तोहीद में तो हम एक हैं यानी जो आसमानी मज़हब के मानने वाले लोग हैं चाहे ज्यूज हों क्रिश्चन्स हों यहूद व नसारा या मुस्लिम्स ये तीनों इब्राहिमी दीन के ऊपर है ना तीनों अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम इब्राहिमी हैं तो इब्राहिम सलाम के हवाले से अब इसमें ना डिटेल डिस्कशन आएगी कि इब्राहिम को तो यहूदी भी मान रहे हैं ईसाई भी मान रहे हैं जिनको नसारा कहा जाता है और मुस्लिम्स भी तो फिर उस कॉमन टर्म यानी तोहेद की दावत पर इकट्ठा हुआ जाए इख्तलाफात फिर बाद में देखेंगे मुसलमानों में भी जो कॉमन टर्म ये है कई कॉमन टर्म्स हैं अल्लाह एक रसूल एक कुरान एक किबला एक और इसके अलावा आप अगर इजमा उम्मत जिन चीजों पर देखें नमाजें पांच सब के नजदीक सबके नजदीक मुर्दे को गसल देकर कफन देकर किबला रुख दफनाना है कोई इख्तलाफ नहीं तो कई एक चीजें जो कॉमन है उनके साथ बात को स्टार्ट किया जा सकता है इखतराफात को बाद में देखेंगे तो ये दावत की चाबी है ये आयत मुबारक अगर आप मुझसे विदिन रिलीजन पूछें तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल गदीर खूम की हदीस है जो सही मुस्लिम में ऊपर तले चार अदीस हैं इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक सिक्स डबल टू फाइव से लेकर सिक्स डबल टू एट तक जो हमने अपने मनहज पर भी लिखी हुई है और ये खुतबा इतना अहम है खुतबा गदीर का कि ये हजतुलवि से भी अगला खुतबा है उस, उसको भी सुपरसीड करने वाला है सही मुस्लिम के अल्फाज हैं जैद इबन अरकम के पास कुछ ताबेन आते हैं और कहते हैं कि आप ने आपने नबीसम की सोहबत की अब चंद अब में से आप बाकी हैं उधेड़ उम्र के हो चुके हैं तो आप कितने खुश नसीब हैं कि रसूलुल्लाह की सोबत की सल्लल्लाहु अलैहि वसम आपके साथ नमाज़ें पढ़ी आपकी गुफ्तु सुनी तो आप हमें कोई ऐसी बातें बताएं जो नबी इसलाम से आपने ख़ुद सुनी हो तो जैद इबन अरकम कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ कई बातें तो मैं भूल चुका हूँ ये उनकी आर्जी थी ये नहीं था कि दीन बुला चुके थे वो एहतियात करते थे कि नबी इलाम की आम मजलिस की बातें मैं ज़िम्मेदारी से बयान करूँ अलबत्तः एक अहम बात जो मुझे याद है कि नबी इस्लाम के साथ जब हमने हज किया था जो आपका पहला और आखिरी हज था आपने मक्के से मदीने आते हुए वापसी पर खुमनी गाँव में पड़ाव किया ऊँट के पालान का मेम्बर आपके लिए रखा गया इस्लाम ने हमसे गुफ्तगु करते हुए कंक्लूडिंग अल्फाज इस्तेमाल किए ए लोगो आगा हो जाओ मैं भी एक इंसान हूँ करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ मैं अपने बाथरूम में दो भारी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ जिनमें से पहली चीज़ अल्लाह की किताब है इसमें हदायत है इसमें नूर है ये अल्लाह की रस्सी है जो इसको पकड़ेगा हदायत पर होगा जो छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा और जैद इबन अरकम कहते हैं कि फिर नबीलाम हमें तरगीब दिलाते रहे की किताब अल्लाह की किताब अल्लाह की किताब और फिर फरमाया दूसरी भारी चीज़ मेरे अहल बैत है मैं अपने अहल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ मैं अपने अहल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ मैं अपने अहल बैत के मामले में तुम्हें तो अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ यानी मेरे वफात के बाद उनके साथ उसने सलूक करना तीन दफा आपने फरमाया लेकिन उम्मत ने ना कुरान पकड़ा और ना अहल बैत को जिंदा छोड़ा सिर्फ पचास साल के बाद आपका पूरा खानदान जबा कर दिया गया तो नबील इस्साम को तो चूंकि अल्लाह ने गैबी ख़बर दे दी थी कि आपकी उम्मत ये सब कुछ करेगी तो आपने उम्मत को डरा दिया कि तुम इस सिस्टम का हिस्सा ना बनना बहर गदीर ख़ुम वो दावत है जो हम पूरी उम्मत के सामने रख सकते हैं अक्सर लोग पूछते हैं जी शिया को कहाँ से बात शुरू करें अहल सुन्नत के कहाँ से सवाल होता है तो मैं कहता हूँ गदीर ख़ूम से शेह पूछते हैं जी सुनीों को हमने दावत देनी है तो कहाँ से शुरू करें मैं कहता हूँ गदीर ख़ूम से तो गदीर ख़ूम पे सिर्फ अहले बैत नहीं थे कुरान भी था और सिर्फ कुरान नहीं था अहले बैत भी थे दोनों चीज़ों को आप पैरेलल में देखें और कुरान की तौहीद के ऊपर कुरान के अकायद नज़रियात के ऊपर इकट्ठे हो जाएँ कुरान मशरक़ से लेकर मगरिब तक शमाल से लेकर जुनूब तक पूरी दुनिया के मुसलमान इसी एक कुरान को मानते हैं अहदीस की किताबों में इख्तलाफ़ हो सकता है कुरान में तो किसी का अख्ताफ़ नहीं है ना सुन्नी का ना शिया का ना इनके जितने भी ऑफशूट्स हैं हनफी मालकी हम्बली देवबंदी अहले हदीस जितने भी हैं या उधर आप इसना आशरी कह लें जैदिया कह लें और इस्माइलिया कह लें कुरान को तो मानते हैं कुरान की नहीं मानते ये लादा बात है की मानना और चीज़ है को मानना और चीज़ है तो दावत दी जा सकती है ये कॉमन टर्म है कुरान के ऊपर कि हम अपने अकायद और नजरियात को कुरान पर पेश करें और कुरान के मुंह में अपना लुकमाना डालें बल्कि कुरान जो कह रहा है उसको अडोप्ट कर लें तो तालाउल बई ना बई ना अब अच्छा अब बाज़ लोग सोचते हैं कि ज्यूज़ और क्रिश्चन्स की किताबें तो तब्दील हो चुकी थी तो फिर उन्हें क्यों कहा गया कि तुम और हम एक बात पर इकट्ठे हो जाए तो सर आपके लिए हैरान कन बात है और मैंने इसके ऊपर कुरान के तारफ़ में भी डिटेल से डिस्कशन की थी एज फार एज तोहीद इज कंसर्न आज की तौरात और इंजील में भी कोई एक आयत भी ऐसी नहीं है टेम्पर्ड फॉर्म में कि जो अकीदे तोहीद के मुनाफी हो अगर अकीद तोहेद उन किताबों में वो भी बिगड़ जाता तो मुझे बताएं हम जूज और क्रिश्चियंस को किस तरह दावत दे सकते थे उन्होंने तो अपनी किताबों को ही मानना था ना अल्लाह ने इस लिहाज से उनका दीन भी महफूज रखा हुआ है कि तोहीद के अंदर कोई चीज दाखिल नहीं हुई बाकी बिदात अकायद के अंदर खराबियां आई हैं लेकिन तोहीद के हवाले से चौबीस कैरेट सोना तोहीद है आज के न्यू टेस्टमेंट में भी और फाइनल टेस्ट जो ओल्ड टेस्टमेंट है फाइनल टेस्टमेंट तो मैं इसे कहता हूं कुरान को आप देखें मुस्लिम स्कॉलर्स जो इस चीज के एक्सपर्ट्स हैं उनके जब मुनाजरे होते हैं डिबेट्स होती हैं क्रिश्चियंस के साथ तोहीद के ऊपर तो कोई एक आयत वो अपनी किताबों से नहीं दिखा सकते जो ट्रिनिटी को सपोर्ट करती हो बल्कि वो तो इतनी सख्त किस्म की आयात हैं तो रात के अंदर मौजूद है कि अल्लाह फरमाता है मैं जैलिस गॉड हूं जमीन पर जमीन की गहराइयों में समुद्रों में आसमानों पर मैं अपने साथ किसी और को शरीक बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूं और ये जितनी आयात पेश करते हैं ना ट्रिनिटी के लिए वो सारी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है उनका वो फार्म ही नहीं बनता इसीलिए आप देखें जो लोग फिर पढ़ना शुरू करते हैं ना तो गुमराह हो जाते हैं उनकी नजर में कितने क्रिश्चियंस हैं जिन्होंने उधर भी यही रोना रोया जाता है कि जी डायरेक्ट नहीं आपने पढ़नी किताबें उलमा से पूछ पूछ के चलना है उनका फार्म लेके चलना है तो उलमा का फार्म लेके चलेंगे तो फिर तो वो वही बताएंगे ना जो उनके बाबों ने उनको सिखाया है एक न्यू मुस्लिम है जो अब न्यू मुस्लिम भी नहीं रहे आप समझे उनको तो मुसलमान हुए भी ऑलमोस्ट 25 साल हो चुके हैं उनकी youtube पे वीडियो है जो मिलियंस ऑफ पीपल ने देखी है इंग्लिश में एक घंटे की है सर वो वीडियो अशक बार अंकों से देखने वाली है हाउ बाइबल लेड मी टू एक्सेप्ट इस्लाम बाइबल ने मुझे कैसे मजबूर किया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया उसमें उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बताई है वो 17 18 साल की उम्र में यूथ मिनिस्टर बन गए थे यूथ मिनिस्टर यानी एक एक टर्म है एक اصطلاح है जो यानी आप समझ लें यंग में से थे वो ठीक है ना एक होते हैं ना जो यादगार असलाफ होते हैं एक होते हैं जनाब एक जवान खून उभरता हुआ नौजवान वो जो हमारे भी यहाँ पे टर्म इस्तेमाल होती और उन्होंने बाइबल पढ़ी तो उसके बाद वो अपने से सीनियर से पूछते थे कि जी ये ये जिस तौद का जिक्र बाइबल कर रही है तो हम लोग तो उस तौहीद के अंदर नहीं है यूं करते करते वो अल्टीमेटली इस्लाम तक पहुंचे और फिर जब कुरान उनको पहली दफ़ा गिफ्ट किया मुस्लिम स्कॉलर ने जुम्मे के खुतबे में वो उधर गया था मस्जिद में सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए सर जुम्मे को उससे कुरान मिला है तो मंडे की सुबह तक वो पूरा कुरान तर्जमे से पढ़ चुका था और कहते है पहली रात ही मैंने अपना दिल इस किताब को दे दिया सर वो इंसान के आंसू नहीं रुकते हैं जब इंसान उसकी गुफ्तगू सुने वो कहता है जिस तोहिद की मुझे तलाश थी ना वो इस कुरान में है अच्छा उसका कद छोटा सा है तो कहता है मेरे नज़दीक ना हज़रत दाऊद असलाम मेरे आइडियल थे क्योंकि हज़रत दाऊद का भी कद छोटा था लेकिन कहते जब मैं तो रात में उनके बारे में पढ़ता था कि वो अपनी एक सहाबी की बीवी पे आशिक हो गए नाऊजबिल्ला और उसे मरवा के ख़ुद शादी कर ली उस औरत से तो मेरा दिल खट्टा पड़ता था कि ये ये कौन सा डेविड है ये ये क्या पैगम्बर हो सकता है और कहता है जब मैंने कुरान पढ़ा तो कुरान जिस तरीके से पैगम्बरों का ज़िक्र करता है और जिस तरीके से उनके करैक्टर को आइडियलाइज़ करके पेश करता है और उन पर जो तोहमात लगाई गई थी उनके मानने वालों की तरफ से वो दूर करता है तो मैंने कहा हाँ, ये किताब वाकई अम्बिया की तालीम देने वाली किताब है तो ये ये कुछ सादा जुमला नहीं है कि आओ अहले किताब हम भी इकट्ठे हो जाएं इस बात के ऊपर अच्छा अगर इस हवाले से मैं वो चीज़ जिक्र न करूँ तो नाइंसाफी होगी पब्लिक में एक चीज़ मशहूर है एक हदीस सुनन धार्मी की कि एक दफ़ा उमर ने तोरात के सफ़े उठाए हुए थे तो नबी इस्लाम के चेहरे मुबारक पर नागवारी के आसार आए तो आपने उनको कहा कि आज मूसा भी जिंदा होते तो मेरी पैरवी करते ये रवायत असूल महदसिन पर ज़यीफ़ है शेख़ुब अलीज़ साहब ने मशक्त की पहली जल्द में किताबोसन्नत वाले चैप्टर जो है उसमें इसके ऊपर तहकीम की है ये रवायत बिल्कुल कमज़ोर है और कुरान से भी टकराती है क्योंकि कुरान तो ये बात करता है कि तौरात से ये आप देखें ये आयत अगर कह रही है कि आओ हम कॉमन टर्म पे इकट्ठे हो जाएँ तो क्या यहूदो नसारा और हमारे दरमियान कुरान कामन है तो कुरान को मानते ही नहीं है हाँ पुरानी लामी किताबें वो कॉमन है अगरचे हम कहते हैं कि उनमें तारीफ़ हुई है लेकिन यह नहीं है कि हम उन किताबों को सिरे से इनकार करते हैं तो आप ये देखें कुरान हकीम में कई एक जगह ये मजमून आया है ये जो पारा नंबर फोर है इसका आगाज़ ही इससे हो रहा है स्टार्ट ही में शुरू में ही आपको ये आयात मिल जाएंगी अल्लाह तरह माता है कुल्लु तामिकान हिल्लिबन हिल्लिबनी इसराइल इल्ला मा हर्रमा इसराइल अला नफसी तमाम खाने हलाल थे बनी इसराइल के लिए सवाए जो हज़रत याकूब की अपनी ज़ाति नापसंद थी कि उन्होंने अपने ऊपर हराम किया मिन कबली अन तुनज़ल तौरा तौरात के नाजिल होने से पहले फिर ज़ाहरा जब तौरा नाजिल हुई तो अल्लाह ताला ने कहा कि भई ये जाती पसंद नापसंद थी इसको आपने हराम का दर्जा क्यों दे दिया है हज़रत अलैहिस्सलाम की नापसंद को और अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए उसको हलाल डिक्लेयर किया इसके साथ ही आता है इनकुन तुम स्वादीन अनबीन से फरमाओ तौरात ले आओ और उसमें पढ़ो अगर तुम सच्चे हो कि कहाँ लिखा हुआ कि ऊँट का गोश्त जो है वो हराम है ऊँट का गोश हजरत इसराइल को पसंद नहीं था हज़रत इसराइल जो है ये लकब है हज़रत याकूब का लिहाजा इसराइल से मेरे कोई चेड़ नहीं है उसके करतूतों से है हमारे तो कुरान में बनी इसराइल जरूरत है बुरी इसराइल कहते हैं अल्लाह का बंदा हिब्रू लैंग्वेज के अंदर इब्रानी ज़ुबान में तो अल्लाह तो कह रहा है तुरात लाओ एनबी इन से को तुरात पढ़ें और कुरानी सूरतुल्बकर और आल इमरान में कह रहा है इन्होंने किताबें भी बदल दी हैं तो बदल जाने के बावजूद भी उसमें अच्छा खासा मवाद मौजूद है नबील इस्लाम की प्रोफिस आज तक मौजूद हैं। वो मैंने कुरान के तारुफ में कई एक चीज़ें बयान की थी तो नबील इस्लाम इवन फैसले करते थे अब दौद में एक हदीस है किताबुल हदूद चैप्टर में कि यहूदियों का एक दफ़ा कोई मुकदमा था जिना का केस तो नबील इस्लाम निपटाने के लिए गए उनके मदरसे में तो उन्होंने एक गद्दी हजूर को पेश किया आप उस गद्दी पर बैठ गए थोड़ी देर बाद वह तोरात अंदर से लेके आए तो नबील इस्सम ने अपनी पीठ के नीचे से गद्दी निकाली और ख़ुद ज़मीन पर बैठ के गद्दी सामने रख के तौरात उस पर रखी तौरात को रिस्पेक्ट दी और फिर आपने कहा मैं ईमान लाया इस किताब पर और इसके नाजिल करने पर वाले पर हालांकि वो टेम्पर्ड तौरात थी फिर उस किताब से आपने वो रजम की सजा का फ़ैसला किया वो जब आयात आईं तो वो छुपा ली थी उस यहूदी आलम ने तो नबीम अपने साथ एक सयाबी ले गए थे जो इबरानी ज़ुबान जानते थे उनका यारसोल्ला ये आयात मौजूद है फिर आपने रजम का फ़ैसला किया वहाँ पर तो इससे पता चला कि यहूदों ने की किताबों से भी आप इस्तफादा कर सकते हैं लेकिन यह मैं उसके लिए कूंगा जिसने कुरान अदीज पढ़ लिया है कुरान पढ़ा नहीं हुआ तो आप जाके पहले वो चीजें पढ़ेंगे क्योंकि हिस्ट्री की कई चीजें अंबिया की जो जमानी तरतीब है ये ज्यादा डिटेल में आपको तो और इंजील में मिलती हैं लेकिन पहले कुरान को पढ़ें क्योंकि कुरान तो सारी इल्हामी किताबों की दावत का खुलासा है बहरल ये काम हर एक बंदे ने भी नहीं करना यानी जिन्होंने यहूदों ने सारा तक दावत पहुंचानी है उसको एक्सपर्ट होना चाहिए उन किताबों का आम बंदे को तो बेचारे को यह टाइम नहीं कि कुरान तजर्मे से पढ़ ले तो ये मैंने इसको ब्रीफ करना जरूरी समझा कि यह कुरान अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन किताबों से भी इस्ता आप कर सकते हैं अल्लाह नाअुदा वला काई आ और ये कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराए अरबा बम और हम आपस में एक दूसरे को रब ना मान लें अल्लाह के मुकाबले पर मुराद ये कि एज फार एज स्पीशीज इज कंसर्न हजरत उजैर अल इस्लाम हजरत ईसा इस्लाम है तो उन्हीं की जानों में से थे ना इंसान ही थे ना हमारे नबी इलास््लाम के लिए क्या आया है लकत जाम रसूल उमिनफिकुम तुम्हारी अपनी जानों में से आया ये मरतबे की बात नहीं हो रही स्पीशीज की बात हो रही जिंस की नो की बात हो रही है फरिश्ते तो नहीं इंसान ही है तो आपस में हम जो इंसान एक तरह एक दूसरे को रब तो ना मान लें अल्लाह को माने और एक माना यह भी है कि जो अलमा यहूद और नसारा है ना वो आलमोस्ट शरीयत सास बन चुके हुए थे रब के दर्जे पे उनको फायज कर दिया हुआ था इन लोगों ने कि वो शरीयत के हलाल को हराम हराम को हलाल करा देते थे और मनपसंद फतवे पेश करते थे इसको भी कहा गया है गोया के रब मान लिया सूरह तोबा में आगे चल के आएगा इत्तखदु अहबार मरहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह यहूदों ने सारा ने अपने उलमा और अपने सूफियों को जोगियों को बुजुर्गों को राहबों को रब मान लिया था अल्लाह के मुकाबले पर अब यह नहीं कि डायरेक्ट पूजा ही करते थे इसको स्पोर्टिक एक, एक रिवायत है उसकी सेहत में इख्तिलाफ है लेकिन वो फिट इन बैठती है जाम की के अदीब ने हातिम कहते हैं ये कुरान में जो आयत है कि यहदो नसारा ने अपने उलमा को और अपने बुजुर्गों को रब मान लिया था तो मैं तो ईसाई रहा हूँ मैंने तो कभी अपने आलिम की इबादत नहीं की तो आपने फरमाया कि क्या जब तुम्हारे तुम्हारेमा तुम्हें किसी चीज़ को हलाल या हराम कहते थे तो तुम लोग बगैर ये देखे कि तुम्हारी किताबें क्या कह रही हैं ब्याह का इल्म क्या कह रहा है तो मान ली किए करते थे उनकी बात वो ओके यारसल्ला ऐसे ही फरमाया यही तो उनको रब मानना है अल्लाह ने तो अंबिया की पैरवी का हुक्म दिया है ईतूनी हाजा असारत इनकुन तुम सादीन सूरत आयत नंबर फोर ए नबी अगर ये आपकी दावत कबूल नहीं कर रहे इनसे फरमाओ ई मिन कबली हादा। अगर इस कुरान को नहीं मानना तो इससे पहले जो इलामी किताबें वो ले आओ मेरे पास असारत मिन इल तुम साद या इल्म के आसार जो चल रहे हो इम के आसार क्या सुनत अंबिया की अदीस ये भी कुरान किया सबूत है कि सिर्फ कुरान सोर्स नहीं सुन्नत भी है तो उससे मुझसे बात करो अगर तुम सच्चे हो तो आज भी हम यही तो कहते हैं यार किताबों सुनत से बात करो वो कहते हैं नहीं जी बुजुर्गों से पूछ पूछ के चलेंगे और से पूछ पूछ के चलेंगे तो फिर ये यकीन करो जिन्हें को पूछ के जा रहे हो ना जिथे इन्ह ने जाए ना तुम भी उतर जाना जे अगे आप फैसला कर लो किताब व सुन्नत यार पे नबी इसलाम ने किताब व सुन्नत छोड़ा हालांकि नबी इलास््लाम के पास वो शख्सियात थी जिसको आप फ़्रिया अपने हीरे छोड़ के जा रहे थे अबू बकरमानोली लेकिन आपने हजरत पे ये नहीं फ़रमाया कि मैं ये देखो इतनी बड़ी जमात छोड़ के जा रहा हूँ आफर मैं अपने पास दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ अलमस्तल में ये भी हदीस हमने मनज पर लिखी है थ्री एटीन नंबर हदीस है पकड़ लोगे मज़बूती से कभी गुमराह नहीं होगे एक अल्लाह की किताब है और दूसरे उसके नबी की सुन्नत अच्छा मैं अक्सर गौर करता था इस बात पर कि नबीम ने साहबा का नाम क्यों नहीं लिया बैत का नाम पकड़ने के अतबार से क्यों नहीं लिया इस एतबार से तो गदीर को हम पे लिया कि उनके साथ उसने सलूक करना लेकिन वामी पकड़ने का हुक्म नहीं है पकड़ना किताबुल्ल और सुन्नत को है तो फिर मुझे ये बात समझ आई कि अगर आप ये कह देते कि अबू बकर को पकड़ लो रदी अल्लाह तू तो सवा दो साल के बाद तो वो भी फौत हो गए एंड रिजल्ट तो फिर वही सईदना उमर का कहते तो तेरह साल के बाद वो भी शहीद हो गए पच्चीस साल के बाद सईदाना उस्मान भी शहीद तीस साल के बाद मौलाली भी शहीद और आखिरी सहाबी इस्लाम की उफात के सौ साल के बाद अबू तुफैल आमिर बिन वासिला एक सौ दस हिजरी में फौत हुए एक सौ दस हिजरी के बाद दुनिया में कोई सहाबी बा नहीं था आज आखिरी सहाबी को फौत हुए अभी आलमोस्ट तेरह सौ साल गुजर चुके हैं तो अगर कहते मैं इनको छोड़ के जा रहा हूं तो आज का इंसान उनको कैसे पकड़ सकता था इसलिए इस्लाम ने किताबुल्ला और सुन्नत की तरफ छोड़ा और सुन्नत ही की आज की फॉर्म हदीस है फिन तबलऊ अगर ये रुख फेर ले फुश हदूबिमून तो नबी और उनके साथियों तुम फरमा दो कि तुम गवाह हो जाओ कि हम तो सर तस्लीम खम कर रहे हैं अल्लाह के हजूर तुम अगर वो तोहिद मानने वाले नहीं हो ना तुम मुस्लिम होने के लिए तैयार नहीं हो तो हम तो मुस्लिम होते हैं मुस्लिम का मतलब होता है सर तस्लीम खाम करने वाला टू सबमिट योर विल टू अल्लाह अपनी मर्जी अपने रब के, के हवाले कर लो या एहल किताब ए किताब जूस और क्रिस्फी इब्राहिम तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो झगड़ते ये थे वो कहते थे ये हमारे बुजुर्ग हैं मुसलमान कहते थे हमारे बुजुर्ग हैं जूस कहते थे हमारे बुजुर्ग हैं और नाम उनका लेते थे और अपने आप को उन्होंने फिरकों में बांटा हुआ था वो अब अल्लाह तला ने कहा कि जिस इब्राहिम के साथ जोड़ रहे हो इब्राहिम तो ना यहूदी था ना नसरानी था और इब्राहिम तो तौरात और इंजील से पहले के थे जब इब्राहिम अस््लाम तौरात और इंजील से पहले आए तो वो जूस और क्रिश्चियन कैसे हो सकते हैं कोई सिहाबी जो है वो शाफी तो नहीं हो सकता याद आया आपको वजाल माल में उन्होंने लिखा हुआ ना वो एक सहाबी सहीदीस है सुनबी दाऊद की उनको पैर पर पे नबीसलाम ने खड़ा किया तो उनको तीर लगते रहे तो वो नमाज उन्होंने मुकम्मल की फिर सलाम फेरने के बाद उनका तो पूरा कुर्ता खून आलूद हो गया तो दूसरे सहाबी ने कहा आपने मुझे जगा लेना था उन्होंने कहा मैंने एक सूरत शुरू की थी मुझे शर्म आई कि मैं सूरत मुकम्मल किए बग़ैर आप तो जनाब तरावी का टाइम गिन रहे होते हैं उनके तो अपने हाथ में तरावी थी या क्या था वो खुद पढ़ रहे थे तो अब ये हदीस उन्होंने लिखी फजाइल नमाज में ये बताने के लिए कि की कमिटमेंट का लेवल क्या था नमाज के साथ लेकिन उनको फौरन फिक्र पड़ गई कि इससे अगर किसी ने यह मसला निकाल लिया कि खून निकलने से वजू नहीं टूटता तो फिर हमारे मसल का क्या बनेगा तो नीचे लिखा फे जिसको मैं फसाद पढ़ता हूं या एल सलफ का फाहम कहते हैं उसे फाहम में भी फाह आई जाती है वो वैसे कहते हैं फायदा फायदे में वो लिखते हैं कि जी इससे कोई ये रिजल्ट ना कहीं निकाल ले कि भाई खून निकलने से तो उन्होंने लिखा कि इसमें इमाम मनीफा और इमाम शाफी का इख्तलाफ है इमाम वनीफा के नज़दीक जो है वो खून निकलने से वजू टूट जाता है इमाम शाफी के नज़दीक नहीं टूटता हो सकता है कि वह सिहाबी भी इमाम शाफी के मजहब पर हों अब वैसे टेक्निकली बहस करेंगे वो कहेंगे नहीं उनका ये मतलब नहीं था उनको भी पता था कि इमाम शाफी जो है वो वो बाद में आए कैसे शाफी हो सकता है उनका कहने का मतलब ये था कि दोनों का फार्म एक है हम ये कहते हैं कि फार्म तो नबी हैबीस्लाम का लिया जाएगा ना उस साबी का फार्म जो है अगर इमाम शाफी उस फार्म को लेकर चल रहे हैं तो बिल्कुल ठीक लेके चल रहे हैं आप ये बताएं कि आपने जो इमाम उनिफा की तरफ बात मनसूब की है वो किस या नबी का फार्म है और ये जाली मसला लोगों को बता के तो उम्मत को मुसीबत में डाल दिया वो साबा तो फोड़ ही नहीं कर सकते थे कि खून निकलने से वजूर टूट जाए वो उनकी तो जिंदगी पूरी जंगों से इबारत थी सर एक दिन उनका सुकून कर ही गुजरता था एक जख्म ठीक नहीं होता था तो दूसरे दस जख्म उनको लग जाते थे वो तो बेचारे नमाजे कहां से पढ़ते होंगे कपड़े बदलते रहते होंगे हर वक्त हून पाक है हाँ खून पीना आराम हाँ अब इसके गेस इमाम शाफी का वो मौक़ बातिल है वो कहते हैं बीवी को हाथ लगाने से वजू टूट जाता है इस मसले में उमामफा का मौक़ ठीक है बुहारी मुस्लिम में हदीस है अम्मा आयशा कहती हैं कि उन दिनों हमारे घर चिराग नहीं हुआ करते थे हुजरा भी तंग था नबी इस्लास्नाम जब तद की नमाज़ पढ़ते थे ना तो मैं आपके आगे लेटी होती थी जब सजदे में जाने लगते थे तो मेरे पाँव को टो देते थे तो मैं अपने पाँव समेटती थी नबी इस्स्माम जैसे ही सजदे से फ़ारह हो के क्याम की तरफ जाते थे तो मैं फिर पाँव सीधे कर लेती थी ये मोहब्बत का भी आप देखें एक मिया बीवी में मोहब्बत कैसे होनी चाहिए और आपकी तो हालत यह है कि वो कहते हैं कि चरपाई के सामने भी नमाज नहीं पढ़ सकते उधर तो सामने बीवी लेटी हुई है नमाज हो रही है और लेटी भी हुई है वो सुतरे के आगे नहीं जहां पे घुटने पड़ने सजदा है उस जगह पे टांगे मसल्हे के ऊपर ही आप समझ लें तो इससे इमाम बुखारी ने इमाम शाफी का रद्द किया कि अगर वजू टूटता होता तो वजूर तो ना पांड होते तो ये जो लोग कहते हैं ना जी वो इमाम बुखारी शाफी थे इसलिए रफा दहान की दिशें लेके आए उनको ये फकी दिया करें कि अगर वो शाफी थे तो वो तो इमाम शाफी का उन्होंने पूरा बुनियादी मसला ही उखाड़ के रख दिया फकी है ना और यह देखें एक फतवा जिसकी अजियत आज तक लाखों मुस्लिम अवाम काट रही है इंडोनेशिया और मलेशिया के जो लोग हाज करने आते हैं देखें उनके औरतों और मर्दों ने दुस्ताने पहने हुए होते हैं सख्त गर्मियों में भी ये नहीं कि पर्दा किया होता है चेहरे खुले होते हैं अगर पर्दा हो तो चेहरे का भी किया हो ना हाथ में दुस्ताने इसलिए कि उनके नजदीक मिया बीवी अगर टच कर गया ना डायरेक्ट तो वजू टूट गया तो बेचारे उन्होंने तो हाथ में हाथ डाल के वो करना होता है तवाफ तो एक गलत मसले के लिए पहुंचते हैं अब उनको बताया कोई जाके यार वो शाफी फिका छोड़ो मोहम्मदी पर आओ स ठीक है उनको अपना इमाम मानो जिनको अल्लाह ने हमारा इमाम बना के भेजा है मा अब्दुल्लाह साहिबुकुम वमा गवा तुम्हारे नबी ना कभी बेके हैं ना कभी बेरा चले सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलात पर मोहम्मद व आलि मोहम्मद اللهم صل على محمد و على آل तो सरत तस्लीम खाम करो तुम या अहले किताब लिमा तुहा लिमा तुहाजुन في ابراهيم तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो वमा उन वल इल्ला तौरात वल और तो इब्राहिम के बाद आए हैं तो इब्राहिम कैसे यहूदी और ईसाई हो सकते हैं तुम इब्राहिम के ऊपर इकट्ठे हो नबील इस्लाम को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे थे वो कहते थे नबील इस्लाम को यहूदी होना चाहिए बनी इसराइल से होना चाहिए हालांकि आप बनी इसराइल से तो नहीं थे बनू इसमाल से थे लेकिन इब्राहिमी तो थे ये तो तौरात का पहला चैप्टर आज भी पढ़ लें क्रिएशन वाला उसमें मौजूद है कि इब्राहिम इस्लाम की दो बीवियां थी सारा और हाजर ये हाजरा लफ्ज गलत है हाजर लफ्स है वो बनु इस्माइल और बनु इसराइल तो अब इब्राहिम पे इकट्ठे होते हैं ना अब आप यही मैं मुसलमानों को भी कहता हूं कि आप कभी भी किसी शख्सियत के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते इवन भी उम्मत नहीं इकट्ठी हो सकती शिया का इख्तलाफ आ जाएगा बाज बहुत गुलूफ करेंगे बाज जरा नॉर्मल इख्तलाफ करेंगे रसूलुल्लाह के ऊपर उम्मत इकट्ठी हो सकती है यहां पे भी इब्राहिम पे उम्मत इकट्ठी होगी हजरत इस्माइल और इसहाक पे भी नहीं इकट्ठे हो सकते क्योंकि बनू इसराइल ने नहीं उनको मानना अफला ताकिलून क्या तुम्हें इतनी अकल भी नहीं है कि इब्राहिम अलैहि सलाम के बाद तो रात और इंजील आई है तो इब्राहिम कैसे यहूदी या ईसाई हो सकते हैं हा अंग तुम हाउला हा जज तुम लकुम बिही इल्म तुम वो लोग हो के झगड़ते हो उस बातों में जिसके बारे में तुम्हारे पास कुछ इल्म था हा फीमा लकुम लकुम फलीमतहाई उन बातों में कुछ झगड़ते हो जिसमें तुम्हारे पल्ले कोई इल्म भी नहीं है इल्म वाली बात में भी तुम गलत झगड़ते थे जिसका तुम्हें पता ही नहीं है उस बात में भी तुम झगड़ रहे हो वल्लाहु वल्लू या ला तालमून अल्लाह जानते है और तुम नहीं जानते है। माकाना काना इब्राहिम यहूदी वला नसरानिया इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे वला वाला किनकाना हनीफम मुस्लिमों वम मिनल मुशरिकीन बल्कि वो तो सबसे से टूट कर एक अल्लाह के हो गए थे हनीफ़ा इसे कहते हैं और मुस्लिम थे सरे तस्लीम ख़म करने वाले व वा माँ का ना मिनलमशरकिन और वह मशरक़ नहीं थे यानी मुराद तुम तो शिरक कर रहे हो और अपने आप को इब्राहिमी कह रहे हो इब्राहीम ने तो पूरे ख़ानदान पूरे कबीले से फड्डा ले लिया था बुत तोड़ दिए थे और तुमने जीसस क्राइस्ट के बुत बनाए हुए हैं उज़ैराम को अल्लाह का बेटा कहते हो तो तुम किस तरह इब्राहिमी हो सकते हो इब्राहिमी तो वो होगा जो वो शर्क ना हो वो तो मुवाहिदीन थे सर इब्राहीम सलाम पे तो ऐसा मुझे रश्क आता है इब्राहिम स्ल्लाम वो पैगम्बर हैं कि कुरान में अल्लाह ने नबीलाम को कहा कि आप के लिए इब्राहिम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है हमें कहा गया, गया। कि और रसूल को कहा गया कि आप के लिए इब्राहिम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है हम मुसलमान अपने आप को दीन इब्राहिमी पे कहते हैं और अल्लाह ने फख्रिया बात की है अल्लाह तलाता है मिल्ल अबी कुम इब्रीम पैरवी करो अपने बाप इब्राहिम के दीन की हुआ सुल मुस्लिम जिसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था बिरबंदी मुस्लिम रखा था हुआ मिन हुआ हादा। कुरान से पहले ही उन्होंने तुम्हारा नाम मुस्लिम रख दिया था और इसमें अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रख दिया लेकिन हम मुस्लिम कहलाते मुसलमान को मुस्लिम क्या बुराए ना या मुस्लिम देखे वो फिर आपका क्या इक्राम मुस्लिम करता है और बुखारी मुस्लिम हदीस ए कुर्बे क्या में जब आखिरी जंग होगी ना दज्जाल के खिलाफ मुसलमानों की तो अगर किसी दरख्त या पत्थर के पीछे यहूदी भी छुपा होगा ना जंग के दौरान तो अल्लाह दरख्त और पत्थर को जुबान देगा वो कहेगा या या मेरे पीछे जब जंग के दौरान और मुस्लिम के अल्फाज है सवाए एक के जो गरकत है वो यहूदियों का दरख्त है वो उनको पना देगा वो गरकत के ऊपर मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है वह आप दरख्त देखें वो झाड़ी नुमा दरख्त है और इसराइल में लाखों की तादाद में उन्होंने मिलियंस की तादाद में उसको काश्त किया है उसकी हाइट ऑलमोस्ट सात आठ फिट ही होती है लेकिन वो ऐसी घनी झाड़ी फैली होती है कि आप उसमें अगर घुस जाए ना तो आपके पास डिटेक्टर ना ना आप बंदा नहीं डिटेक्ट कर सकते तो आप यूट्यूब पर जाके लिखें गरकत का दरख्त तो वो उसकी तस्वीर भी हमने लगाई हुई है उसमें वो बना देगा तो लेकिन वो भी पत्थर कह रहा होगा या मुस्लिम या सुन्नी या शिया या बुर या देवबंदी नहीं कहेगा इसका मतलब है कुर्बे क्या तफरी खत्म हो जाएगी ताला आप देख लें आप किसी को इस नाम से जरा पुकार के देखें किस नाम वो चिड़ता है और फिरकों के नाम से पुकारे ना ठीक है तो आप वो बड़े खुश होते हैं जश्न देवबंद कॉन्फ्रेंस तो आपने सुनी है ना कभी जश्न इस्लाम या जश्न मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी को सुनी है इतहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस वैसे ये कभी पॉलिटिकल लीडर्स ने आपकी मत मारनी हो ना जो मजहबी जमाते हैं तो फिर ये कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अदरवाइज ये कोई नहीं होता मस्जिदों के बाहर इन्होंने कभी देखा है आपने कि इन्होंने लिखा हो कि ये मुस्लिम मस्जिद है एक तो वो जमातुल जमातुलमसलमिन है ना वो तो खारजी हैं क्योंकि वो तकफीर कर रहे हैं बाकी मैं उनकी बात नहीं करता उन्होंने भी एक लेबल लगा लिया हुआ है मैं एक आम बात कर रहा हूँ तो अल्लाह तबाए इब्राहिम ना, ना यहूदी थे ना नसरानी थे डॉक्टर सरार साहब जब इन आयात पर पहुँचते थे ना तो वो कहते थे कि इसमें आप इब्राहिम की जगह अपने नबी का नाम फिट कर लें न यहूद की जगह आप रख लें सुन्नी और नसरानी की जगह रख लें शिया और इसका तर्जमा ये बनेगा कि मोहम्मद सल्हुस ना सुन्नी थे ना शीह थे वो सबसे टूट के एक अल्लाह के हो गए थे वह मुस्लिम थे और ये हकीकत है हकीकत भी यही है उस हकीकत का इजहार अगली आयत में इन्ना इन अन्नासिबी इब्राहिम लल तबाऊ इब्राहीम के सबसे करीबी तो वो लोग हैं जो इब्राहिम की पैरवी करते हैं वह हाजन नबीन आमनु और ये नबी जो है ये है इब्राहिमी और इन पर ईमान लाने वाले इनके असहाब और अहले बैत ये इब्राहिमी है खाली टाइटल लगाने से कोई इब्राहिमी नहीं हो जाएगा जब तक इब्राहिम की पैरवी इख्तियार नहीं करेगा टाइटल तो हम बड़े शौक से लगाते हैं आप देखेंगे मस्जिदों में लिखा होता है अलई कुम बिस वसुनत राशिदीन महदीदीन तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफा राशिदीन की सुन्नत लाजिम है उसी मस्जिद में आप कहेंगे जी ये रसुल्ला की सुन्नत फिर बुखारी मुस्लिम से बताते हैं कि आपकी मस्जिद में जो नमाज पढ़ी जा रही है वो तो उस सुनत में नहीं हो रही तो वो फ़ौरन कहते हैं जी खुल्फ़ा राजदीन से साबित करें क्योंकि वो मनसूख हो गया था तो खुल्फ़ा राजदीन ने अगर रफा दैन किया हुआ है ना तो इसका मतलब है फिर मनसूख नहीं हुआ क्योंकि उन तक तो नबी नबीसम फौत हो चुके थे तो वो तो आपको हैरान कौन बात हूँ मैंने रफा दैन पर जो सवा दो घंटे का लेक्चर दिया उसमें मैंने इमाम बुखारी की कि किताब जूज रफल्दैन का तारुफ करवाया था इमाम बुखारी ने पहला थप्पड़ इलमिन के मुंह पे यही मारा है उन्होंने पहली हदीस मौला अली से ली है सौ से ज़्यादा हदीसें हैं उस किताब में

उस्मान को पता चल गया होगा कि उस्मान को भी गलती लगी है तो अली तो चौथे उसके बाद तो काम ही खत्म हो गया ना क्योंकि व अगर मौला अली नमाज का तरीका बता रहे हैं तो मौला अली तो तीनों खलफा के साथ रहे हैं तो नमाज का तरीका यही है तो अब यह लली कुंभ सुन्नति जहां लिखा है ना उधर जरा लोगों ने दसो भाई ए इमाम बुहारी ने अधीश जे इमाम बुहारी ने भी लिया और ये अधीज सुन में नमाज और तिरमजी में भी मौजूद है मौला अली से तो फिर देखें आपका इकनाम मुस्लिम कैसा करते हैं वो और कैसे आपको बताते हैं हम खुलदीन के मानने वाले हैं कहानियां करा के रखो एहदीस का भी यही हाल है मैं जरा बराबर कर <Bennad> <worse> <Reason> क्या कहते हैं हम हदीसों के मानने वाले हैं बस जी जो कुरान दीस में आ जाए वही हमारा मजहब है, है, है। बड़े से बड़ा इमाम हो ना उसकी बात हम साइड पे फेंक देंगे अगर सही हदीस आ जाए तो सर ये जो आले उमैया के ऊपर जो मैंने हदीसें बुखारी मुस्लिम से पेश की हैं अलह बैत की स्पोर्ट में अब बड़े से बड़ा इमाम या बुजुर्ग है आप साइड पे करें ना उसे उन्होंने ही साइड पे कर दिए दी दीसरा साइड पे करके तो मेरे चार दौड़े ने कि तू दीसा बयान क्यों की दिया ये है फर्क असल में जब तक आपके मफादात पे जर्म ना ना पड़े आपके मनज क्लियर ही नहीं होता पता उस वक्त चलता है जब आपके मफाद पर ज... वैसे तो आप जुबानी कलामी जो मर्जी कह लें आप देखते नहीं यहां कई पॉलिटिकल लीडर्स क्या क्या दावे करते थे जनाब वो कि जी जो है ना वो पक्का मुहिबुल वतन वो होता है कि जिसके सासे भी इस मुल्क के अंदर हों जिनकी जिदादें बाहर के मुल्कों में हों वो मुल्क के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमें बताते थे ना आज उनकी काबीना में क्या क्या गुल खिलाने वाली हस्तियां आ गई हैं जिनके बार अहसास निकले हैं अब वो अपनी डॉक्टर भूल गए हैं यह होता है फर्क प्रैक्टिकली जब बात आती है फिर पता चलता है कि आप अब किसके साथ खड़े हुए हैं वैसे आप किसी को जितने मर्जी भाषण दें ये दुनिया में एक वो मैंने मिसाल इसलिए पेश की हम सब कुछ देख रहे हैं दूसरों को आप माशाल्लाह जितने मर्जी भाषण देते रहे जब अपने ऊपर बात आती है फिर पता चलता है तो यहां पे भी आप देखेंगे जैसे ही वो हदीसें पेश करेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं वो एहले हदीस हैं लेकिन हमने देखना है हमारे बुजुर्ग क्या कह के गए हैं सलफ क्या कह के गए हैं और सलफ से मुराद उनके सलफ साहबा नहीं वो तो मेरा भी रात को क्लिप रिकॉर्ड हुआ है ना उसमें मैंने बताया कि सलफ पहला सलफ तो फिर साहबा है ना ताबीन ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि सलफ का ये मौकफ है जब ताबी कह रहा होता था सलफ तो वो किसको कह रहा होता था इमाम मुनीफा इमाम शाफी इमाम मालिक को इबन तैमिया को या साबा को तो साबा कराम जो हदीशों का फार्म लिया करते थे अगर वो फार्म आपने नहीं लेना और बाद में तो सुनिशिया तफरीक में इमाम इमाम भी पार्टी बन गए उनके आपने फार्म लेने हैं तो फिर तो साबा से ऊपर आपने उनको दर्जा दे दिया तो मैंने फिर उसमें रात को बताया ना कि को बागी जमात कतल करेगी अमार उनको अल्लाह की तरफ और जन्नत की तरफ बुलाएगा यह सही बुखारी की हदीस है टू एट वन टू तो इस हदीस के ऊपर साहबा का फार्म क्या है और जिसने को कतल किया है वह खुद से आबी है अबुल गिया जिंदगी रोता था मुस्रद अहमद में अधीश है कि मार का कतल हो गया और जू ने फरमाया था मार का कातिल और मार लूटने वाला जहनम में वो रोता था यह उसकी तरफ से सवाइया पेश कर रहे फर्क देखा आपने तो फार्म सिर्फ चल रहा है बुजुर्गों का सर हर एक ने अपना अपना बुजुर्ग मला हुआ और उससे एक सेकंड के लिए भी जो है ना वो गाफिल होने के लिए तैयार नहीं है अल्लाह तो मारा कि इब्राहिमी वो हैं जो इब्राहिम की पैरवी करें और ये हैं नबी सलम और उनके मानने वाले, 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 वाले ताला पुष्ट पना है ऐसे अहले ईमान काब का तो एक ग्रोह इस बात पर तुला हुआ है लु दिल्ल गुमराह कर दे गुमरा तो नहीं करेंगे मगर अपने आप को वमा शुरू लेकिन बेवकूफ़ है उन्हें शुरू नहीं है वो नसारा तो मतलब मुसलमानों के दिलों में वसवसे डालते थे ना और उनका एक सबसे बड़ा हरबा क्या था वो अगली आयत आ रही है इसके आगे आ जाएगी या अहल किताब ए एहल किताब लिम तक फरून अब आयात तुम अल्लाह की आयात का कुफर क्यों करते हो वह अन तुम तशद जबकि तुम गवाह भी हो यानी ये नबी नबीलाम की प्रोफिस तो मौजूद हैं कल तक तुम तो कहते थे औसर खजरज को कि आखिरी नबी को एक दफा आने दो क्योंकि ओसर खजरज बड़े डाडे थे ना लड़ाके तो यूदी जब भी इनसे लड़ाइया करते थे मार खाते थे फिर उनको धमकी लगाते थे अच्छा अभी तो तुम हमें मार रहे हो ना जब आखिरी नबी आएंगे ना तो हम रोमन और पर्शियन अंपायर भी गिरा देंगे फिर देखेंगे तुम्हें सर उन्होंने क्या आखिरी नबी में ईमान लाना था औस और खजरज पहले ईमान आए कालसिया और यमूग उन्होंने जिताई औस के सरदार साद मुआज और खजरज के साद इबने उबादा रदील्लामां तो वो अपनी जगह रह गए ये सुरतल बकरा की एटी नाइन नंबर आयत है कि इस नबी के आने से पहले तो तुम इनके वास्ते से अल्लाह के जूर दुआ किया करते थे कि अल्लाह वो नबी भेज हम उसके साथी बने और जब आया हैं तो सबसे पहले तुम इनकार करते हो, हो है है। या याहल किताब लिमत अल बिस हक का बिल बातिल एल किताब तुम हक और बातिल को आपस में गडम क्यों कर देते हो वह तक हक और हक को छुपाते हो तुम तालमून जबकि तुम जानते तो हो सर ये सेम काम मुसलमानों के अलमा भी कर रहे हैं हक और बातिल को गटमट कर देंगे वैसे आपको कहेंगे सब मेरे नबी के तरीके हैं हाथ यहां बांधे यहां बांधे रफाई दान करें ना करें जब कोई रफाई दान शुरू कर दे तो उसको कहेंगे यार छोड़ दो इसे यानी एक पब्लिक स्टेटमेंट होगी एक जो है वो अलीहदगी में मेरे भाई अगर मैं कहता हूं ना कि हाथ छोड़ के भी नमाज सुनना बांध के भी तो मैं अल्लाह के फजल से एलानिया हाथ हाथ छोड़ के बांध के बांध दोनों तरीके से नमाज पढ़ता हूँ तो सब मेरे नबी के तरीके हैं नबी के तरीके अल्लाह ने जारी किए हैं तो सर आप भी कभी रफा दान करें ना और चार फिक के बड़े इमाम हैं उनमें से तीन तो रफा दहन करते हैं तो आप क्या करें कि तीन नमाजों में रफा दहान किया करें चौथी में छोड़ दिया करें फिर अगली तीन में किया करें फिर चौथी में छोड़ दिया करें तो पता चल जाएगा जो ये जिधर जिधर बैठ के खुदबा देते हैं ना उस मस्जिद में भी नहीं घूस सकते तो इसका मतलब है ये सब सियासी स्टेटमेंट है वो कहते हैं ना ये मेरा जुडिशरी का बयान नहीं है सियासी बयान है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो असम्बली में तकरीर की जनाबे वाला ये है वो जराए जब अदालत में केस गया तो, उनका, वो तो मैंने बस बयान दिया था ठीक है खजमा ना सारे और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब नजम सेठी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया पैंतीस पंक्चर का जब वो हद का मुकदमा बिल्कुल एंड पे पहुंचा तो उसका मैंने तो बस एक सियासी तकरीर की थी मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है सर ये है और जिस बंदे के साथ जिल्लत और रसवाई का मामला करना था वो कर दिया इधर भी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं ना कभी कभार मैं भी क्लियर कर देता हूँ आउट ऑफ कंटेक्ट वीडियोज़ काट के अवामन्नास को इधारों को भड़काते हैं कि जनाब ये तो ये कर रहा है हालांकि वो बेचारा वो नहीं कर रहा होता और जब बाद में कहा जाता है कि भाई आप माजरत कर लें वीडियो डिलीट कर लें नहीं तैयार होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। किताब यह है जनाब वह अहम तरीन आए जो मैंने कहा था ना कि वो सबक राम को फसलाना चाहते थे दीन से उसके लिए उनका एक हरबा था वह यह था वो कहते थे इस तरह करते हो करो कि नबी इलास्लाम के की मजलिस में जाओ कुछ यहूदी और बड़े मद्दब बन के बैठ जाओ हाँ में हाँ बनाते रहो और फिर ईमान भी ले आओ ईमान ले आओ सब लोग खुश होंगे खुशियां मिठाई भी सारे बटेगी वहाँ पे उस जमाने में तो खजूरें थी और थोड़ी अरसे के बाद उसी दिन या अगले दिन कह दो कि हमने तो छोड़ दिया इस्लाम इसमें कोई अगर अट्रैक्शन वाली बात होती तो हम लेके चलते तो सब फ्रॉड चल रहा है तो इसका रिजल्ट पता क्या निकलता है जो बेचारे मुखलिस साथी लगे हुए होते हैं ना उनके दिल में वसमु से आते हैं कि यार ये तो बेचारे बड़े अख्लास से आए थे और फिर मुशरकी अरब तो वैसे ही बेचारे कॉन्फिडेंस लूज किए थे वो तो उम्मीद थे अनपढ़ लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे यहूद तो फिर पढ़े लिखे थे किताबों के जानने वाले थे तो एक आम पेंडू किस्म का आराबी किस्म का से तो ये सोचेगा ना कि यार ये इतने पढ़े लिखे उलमाए अगर ये कह रहे हैं कि अली भाई गुमराह हो गए हैं तो आखिर को बात तो होगी ना समझ समझाइए आपको बात की सेम मेंटेलिटी है वही तो अगर ये बड़े बड़े उलमा कह रहे हैं कि ये नबी जो है बिल्ला गलत दावत दे रहे हैं तो फिर कोई सच्चाई तो होगी सारे उलमा का तो दिमाग नहीं खराब हो गया ना तो वो अल्लाह का हमारा है और ये तो आते ही इसीलिए जो मैं आपको कहता हूं कि उलमा बियॉन्ड रिपेयर है क्योंकि इनकी रोटी दीन के साथ जोड़ी हुई है रोटी इनकी दीन के साथ जुड़ी है ये अगर अपने फिरके के खिलाफ अपने स्टेज से बात करें ना तो सबसे पहले अपना चंदा बंद हो जाएगा ये पॉसिबल ही नहीं है कि बात कर जाए आपकी उधर भी यही सूरत हाल है तो वो ये चक्कर चलाते थे इसलिए कतले मुर्तद की सजा आई थी कतल मुर्तद की सजा के पीछे एक मत यही है कि देखो इस्लाम में आना ना पूरी जिम्मेदारी से एक साल लो बेशक आने के लिए लेकिन वंस आए ना और फिर छोड़ के गए तो मारे जाओगे क्योंकि तुम नुकसान करके जाओगे पिछलों का तुम्हें किसने कहा है कि तुम आगे इस्लाम कबूल करो ला फिर दीन कद तबय नर रुश दू गई दीन कबूल करने में कोई जबर नहीं है जिसकी मर्जी कबूल करे जिसने जन्म में जाना जाए लेकिन अगर कबूल करना है पूरी कन्विक्शन के साथ करो टाइम लेना लो हजरत उमर ने छह साल लिए हैं ना साल नबूवत के छह साल के बाद हजरत उमर मुसलमान हुए चालीस में मुसलमान थे तरक्की करके दूसरे नंबर पर पहुंचे छह साल की पूरी कसर निकाल दी आए पूरी कन्विक्शन के साथ तो फिर तसली से यहूदी यही करते थे कि भाई ये उन्होंने ये चालबाजी की अल्लाह ने उनको बेनकाब कर दिया कि ये आके जो इतने बड़े मोहब बन के बैठे हुए हैं ना कई लोग इधर आते हैं मुझे पता भी नहीं होता बाद में जाकर कहते हैं अमली को बिल के लजवाब करते जी बोल नहीं सके जी और मेरे फरिश्ते भी नहीं, नहीं पता होता मेरे फरिश्तों को इसलिए नहीं पता होता कि वो वही हो नहीं होता फरिश्तों के तो वो लिखना है जो हुआ हुआ है तो वो किस्म के मामला अब यह ये ये किताब का एक नाजिल हुई है किताब कुरान सुबह के वक्त वक्रा और शाम के वक्त कुफर कर दो ताकि ये भी पलट जाए उस दिन से दिल में ख्याल तो आएगा ना वसुसे तो आएंगे वला तो मिनू इल्ला लिमन वाला और देखो मत बात मानना उसकी उसकी सवाए बात मत मानना सवाए उसकी के जो तुम्हारे दीन के ताबे हो यानी ये अल्लाह ताला तो उनका कलाम नकल कर रहा है कि यहूदियों को क्योंकि उनको ये भी फिक्र जाती थी कि अगर ये हुजूर की मजलिस में गए हैं ना चक्करबाजी के लिए होस्तक कायल ही ना होके आ जाए तो वो पक्का करके बेते थे देखना अपने अलावा कोई दीन नहीं कबूल करना यहां भी कई लोग शरारत के लिए आए अल्लाह ने उनको हदायत दे दी ये चांस तो होते हैं ना जमीर नहीं ना मरा हुआ था तो देखना अपने सिवा कोई बात नहीं मानी माननी अल्लाह तरफ मारे कुल इन अल्लाह हुदा हुदा इन हुद अल्लाहुदा नबी तुम फरमा दो कि हदायत तो हुआ जो अल्लाह दे अकबर तुम और देखना यह भी ना मानना कि जो कुछ तुम्हें दिया गया ये किसी और को भी मिल सकता है ये सिर्फ बनी इसराइल का हक है कि पैगंबर उसमें आए किताबें आए ये ना मानना कि बनु इसमाइल में भी कोई पेगंबर आ सकता है कुम या कोई तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई हुज्जत लेके आ सकता है ये हुज्जत सिर्फ बनी इसराइल पे हो सकती है बनु इसमाइल ये किसी और पे नहीं हो सकती यानी वो आज के दौर में कि सिर्फ डिग्री वाले उल्मा बात कर सकते हैं बगैर डिग्री वाले नहीं कर सकते फजल का मालिक तो अल्लाह है अल्लाह ने तुमसे मशवरा करना है कि किसको इल्म देना है किसको अपने अपनी पैगम्बरी के लिए एक्सेप्ट करना है किस पे किताब नाजिल ये अल्लाह ने तुमसे मशवरा करना है युक्ति ये शाह जिसे चाहेगा वो देगा वासम अल्लाह तला वसत वाला और इल्म वाला है। उसे पता है उसने किस पैगम्बर बनाना है यक तसुब रहमती ही मै शाह वो मखसूस कर लेता है अपनी रहमत के लिए जिसे चाहता है तवील ख़ास में इसरा मुराद नबूत का मनसब है और तवील आम में हर बंदे पे अप्लाई होता है कि जिस पे अल्लाह ने रहम फरमाना हो लेकिन उसके लिए शर्त वही है वीना सुबुलना जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे उन्हें हिदायत मिलेगी सर ऐसी हिदायत मिलेगी सलमान फारसी किधर से चले हैं किस तरीके से तकलीफें काट के रसुल्ला के कदमों तक पहुंचे हैं और जो रसुल्ला के अपने घर वाले लोग हैं अबूल महरूम रह गए कहते ना चिराग तले अंधेरा अबू जाल जिसे अबुल हिकम कहा जाता था बेड़ा गर्क हो गया हिकमत धरी की धरी रहेगी उसके गुलाम सुमैया और यासिर अमारे यासिर के मां बाप ना सिर्फ ईमान ले आए इस्लाम के पहले शोहदा भी बने गुलाम ज्यादे नसल, अल्लाह ने हायत दे दी लेकिन अपनी कोशिश थी उनकी वल्लाजुलफीम अल्लाह तला बहुत अजीम फजल का मालिक है अल्लाहनी का मिन फ़ौगली का व रहमत इक आमीन सही मुस्लिम हदीस है कि नबीसलाम नमाज़ के, नबी नमाज के दौरान भी क़ुरान की तलावत करते हुए जहाँ कहीं भी कोई दुआओं की जगह आती थी तो अल्लाह से रहमत का मुकाम आता था तो रहमत की दुआ करते थे जहन्नम से पना की आयात आती थी तो जहनम से पनाह मांगा करते थे वह बिन अहल किताब अब अल्लाह तै तो ने इतनी क्लास ली है ना तो अब थोड़ी उनकी तारीफ भी की है कि सारे ही गए गुजरे नहीं ने जो हम कहते हैं कि हर सारे फिर में सारे ही नहीं है अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं मन मन अगर तुम ढेरों ढेर सोना चांदी का खजाना अमानतन उनके पास रखवाओ ना तो तुम्हें इमानत वो वाप, अमानत वापस कर देंगे जरा ख्यानत नहीं करेंगे वह मिन हूम और बाज ऐसे भी हैं मन मन दीनार के एक दिनार भी रखो ना उनके पास ला ही वो तुम्हें वापस नहीं करेंगे यहाँ तक उसके सर के ऊपर जाके खड़े ना ना हो जाओ तो वो एक दिनार भी तुम्हें जो उधार लिया या मानत वो वापस नहीं करने वाले गाली कभी ही ना सबील और यह बीमारी इनको इसलिए कि इन्होंने कॉन्सेप्ट बना लिया है उम्मीद के साथ हम जो मर्जी करें हमें कोई पूछनी होगी जेंटाइल्स के साथ हम जेंटाइल हैं उनके लिए बनी इसराइल के अदर जो होते थे ना अदर देन बनी कहते थे जेंटाइल हैं और जेंटाइल के साथ आप सूदी लेन देन भी कर सकते हैं हाँ यहूदी यहूदी से लेके सूद नहीं खा सकता इसीलिए बनी इस वक्त भी इसराइल के अंदर जीरो रिबाह है पूरी दुनिया को झोंका हुआ है रिबा के अंदर इसलिए कि वो ये मानते हैं कि इनके साथ हम सूदी लेन देन कर सकते हैं आपस में नहीं इस्लामिक बैंकिंग आपको चाहिए तो वो इसराइल के अंदर है हाँ जी मनी अगेंस्ट गुड्स मनी अगेंस्ट मनी नहीं है तो अल्लाह ही के साथ इसलिए करते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट है कि उम्मीदन दब के रखो तो पूछ नहीं होगी वह कजिब और ये अल्लाह पे झूठ बांध रहे हैं वह और वो जानते भी हैं इस बात को बला मन क्यों नहीं जिसने अपना वादा पूरा किया और परहेजगारी की रविश इख्तियार की तो अल्लाह ताला परेजगारों से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला को कि किसी खानदान के साथ कोई रिश्तेदारी है कि बनी इसराइल से मोहब्बत करेगा और अदर दैन बनी इसराइल नहीं करेगा नहीं अल्लाह के तो रूल्स हैं वह तो आदिल है वह तो आदिल फरमाने वाला है वह लोग जिन्होंने अल्लाह के अहद को जो है वो बेच दिया वो ऐमान हिम सामानन कलीला इन आयात को हम आगे जाके अगली दफ़ा कवर करेंगे क्योंकि उससे अगला मज़मून जुड़ा हुआ है फिलहाल इसी पे कंक्लूड करते हैं कि अल्लाह ताला मतकीन से मोहब्बत रखता है यानी जिनकी रविश तकवे की हो गॉड कॉन्शसनेस की हो अल्लाह से डरने वाले हों से अल्लाह तला मोहब्बत करता है अल्लाह त कोई रिश्तेदार नहीं है और मुझे वो याद आ गया साधन बी वकास जब कादस्य के लिए गए तो सईदना उमर ने एक ख़त पीछे से रवाना किया था कि साध तुझे ये बात अकड़ में ना डाल दे के तू अल्लाह के नबी का मामू है रिश्ते में मामू लगते थे सगे मामू नहीं थे निहाल खानदान से याद रखना अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं है जी अगर अल्लाह का कोई रिश्तेदार होता तो नूअल इस्लाम का बेटा अल्लाह का रिश्तेदार होता ना पैगंबर का बेटा था ना तो तू नबी का मामू है तो इस चक्कर में ना नहीं कि तू अल्लाह का कोई रिश्तेदार है अल्लाह तला ने तो उसूल पर फैसला करना है तो कोई एंकी पैंकी कोई सुस्ती नहीं होनी चाहिए जनाब सा कराम गॉड और खुदा हर वक्त उनके सर के ऊपर सवार रहता था अल्लाह तुआ तो जो हक बात मैंने कही अल्लाह तेरे दिलों में रासिक फरमाए अगर जज्बात में मेरे मुँह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह तला हमारे दिलों से ही माफ़ कर दे हमें मौफ़ भी फरमा दे हमें किताबोसन्नत की तलीमत पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तोफ़ी कता फरमाए सुबह दिख اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا